इस वीडियो में हम लोग डेप्सोन जो सल्फोन ग्रुप का ड्रग है उसके सिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे मेजरली डेप्सोन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लेप्रोसी माइक्रो बैक्टीरियम के वजह से होता है लेप्रोसी को हम कैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं ये स्ट्रक्चर हमारा डेप्सोन का है बहुत इजी स्ट्रक्चर है आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम डेप्सोन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे उसके बाद हम डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंथेसिस यूजेस एडवर्स इफेक्ट जानेंगे और लास्ट में हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जानेंगे डेप्सोन का चलिए डेप्सोन जो सल्फोन ग्रुप का ड्रग है उसके बारे में हम जानते हैं डेप्सोन को जब हम सिंगल देंगे विदाउट एनी कॉम्बिनेशन तो हमारा लेप्रो एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा बट डेप्सोन को मेजरली मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर दिया जाता है रिफाम्पिसिन और क्लोफा जमीन के कॉम्बिनेशन के साथ क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लेप्रेई है वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है के अगेंस्ट में और डेप्सोन का उसके बाद इफेक्ट नहीं हो पाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे पे डेप्सोन को हम डाई अमीनो डाई फिनाइल सनफोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें दो अमीनो ग्रुप है एक और ये दूसरा उसी तरह से हमारा दो फिनाइल ग्रुप है एक और ये हमारा दूसरा और ये हमारा अटैच है दोनों ये हमारा एक और ये दूसरा ये दोनों हमारा अटैच है ये हमारा सेलफोन ग्रुप से डेप्सोन मेनली इन कॉम्बिनेशन विथ रिपिटन इसको हम ट्यूबर क्लोसिस में भी देखे हैं एंड क्लोफाजीन एज मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शनियम लेप्रे और इसी इंफेक्शन को हम लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं डेप्सोन का हम यूज करते हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में इन कॉम्बिनेशन विद रिफॉम्पिसिन और क्लोफा जिमिन के साथ डोजेस रेजिमिन के बारे में हम फार्माकोलॉजी में जानेंगे अब हम डेप्सोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम फ्लो चार्ट के मदद से डेप्सोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझेंगे यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं सबसे पहले तो हम ये जानते हैं डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस है उस बाइंडिंग होता है जिसके कारण डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है अब जो हमारा डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस है उसके एक्टिव साइट पे जो पारा अमीनो बेंजोइक एसिड का साइट था जिस पारा अमीनो बेंजोइक एसिड बाइंड हो रहा था उसको अब कर लेता है डेथोन अब डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस का एक्टिव साइट ऑक् हो चुका है डेप्सोन के द्वारा तो बेंजोइक एसिड का बाइंडिंग उस एक्टिव साइट पे नहीं होगा जिसके कारण डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगा कि जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है प्यूरीन और थायमिडीन के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेप्सोन ने एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर रखा है जहाँ पे पारामिनो बेंजोईक एसिड का बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिन और थायमिडीन के सिंथेसिस में मींस दैट जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएंगे अब हम फ्लो चार्ट के हेल्प से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं डेप्सोन का पारा बेंजोइक एसिड और पेट्रीडीन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस डाइहाइड्रोपेट्रोइ एसिड बनाता है इसी स्टेप को डेप्सोन सल्फोनामाइट ये दोनों इसी स्टेप पे अपना एक्शन शो करता है और जो एक्टिव साइट है सिंथेस का उसको ऑक्पाई कर लेता है और पारा अमीनो एसिड के बाइंडिंग को इनहिबिट कर देता है जिससे डाईहाइड्रोपेट्रोइ एसिड और फर्दर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और फर्दर प्यूरिन था मींस दैट न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है सेकेंड स्टेप में जब एसिड बन जाता है उसके बाद एसिड है कन्वर्ट होता है अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस वो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में हम एक ट्राईमेथोप्रीम के बारे में आगे जानेंगे वो इस वाले स्टेप पे अपना एक्शन शो करता है

सिंथेस पे बाइंड हो रहा था एक्टिव साइट पे उस बाइंडिंग को इनहिबिट करता है डेप्सोन डेप्सोन ऑक्यूपाई कर लेता है एक्टिव साइट ऑफ डाइहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस को और उसके कारण डाइहाइड्रोपेट्रिक एसिड और फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सभी का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और लास्टली ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को खत्म कर देता है अब हम डेप्सोन के सिंथेसिस के बारे में जानेंगे डेप्सोन को सिंथेसाइज किया जाता है दो मोल पारा क्लोरो को सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करके जब हम पारा क्लोरो को ट्रीट करेंगे सोडियम सल्फाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जिसके कारण सोडियम क्लोराइड का लिब्रेशन होगा और हमें डाई नाइट्रो डाइफेनाइल हाइ स्टर ऑप्टेन होगा डाइनाइट्रो थो हमें यहाँ से ऑप्टेन होगा जब डाइनाइट्रो डाईफिना को हम क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट किए तो थायो एस्टर कन्वर्ट हो गया सल्फोन में जिसके दोनों तरफ नाइट्रोफिनाइल का अटैचमेंट है ये हमारा नाइट्रोफिनाइल है इधर भी हमारा नाइट्रोफिनाइल है मिस्टर डाइनाइट्रो डाइफिनाइल सल्फोन हमें ऑप्टेन हुआ जब हम डाइनाइट्रो डाइफिनाइल थायोस्टर को ट्रीट किए क्रोमिक एसिड के साथ जो हमें डायनाइट्रो डाइफिनाइल सल्फोन मिला उसका फर्दर हम रिडक्शन करेंगे तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो ग्रुप में तो हमें यहाँ से मिलेगा डाय अमीनो डाईफेनाइल सेल्फोन अब हम डेप्सोन के यूजेज के बारे में जानते हैं डेप्सोन को खास तौर पे यूज किया जाता है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में कम्बिनेशन के साथ कम्बिनेशन जो होता है उसमें रिफार्बिस होता है और क्लोफा होता है और भी यूजेज हैं डेप्सोन के जैसे डर्मेटाइटिस हार्पेटी फॉर्मिस ये जो कंडीशन है इसके जो डरमाटोलोजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे इन्फ्लामेशन इरिटेशन पस बनना इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम डेप्सोन का यूज करते हैं फर्दर पहले के समय में मलेरिया अर्थराइटिस निमोनिया की प्रिवेंशन में डेप्सोन का यूज बहुत ज्यादा होता था बट अब नए नए ड्रग्स आ चुके हैं वो सेफर हैं एज कम्पेयर टू डेप्सोन तो, तो इसलिए डेप्सोन का यूज बहुत कम हो गया है मलेरिया अर्थराइटिस निमोनिया के प्रिवेंशन में डेप्सोन के पास एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है अब हम एडवर्स इफेक्ट जानते हैं डेप्सोन का डेप्सोन का मेजर एडवर्स इफेक्ट है हेमोलाइटिक एनेमिया एनेमिया हो जाएगा क्योंकि क्रिस्टलाइन यूरिया का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है किडनी में जिससे एनेमिया हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा डेप्सोन से डेप्सोन का एडवर्स इफेक्ट ब्लूस स्किन कलर भी है टायर्डनेस फील होगा डेप्सोन से नमनेस, पेल कलर स्टूल मसल वीकनेस होगा रेसेज हाइप्स हो सकते हैं स्वेलिंग होगा ये सभी है, जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है डेप्सोन का फीवर जॉन्डी ये सब बहुत माइनर केसेस में होते हैं अब हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जानते हैं डेप्सोन का सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं डेप्सोन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है डेप्सोन का जिसमें दो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है एक और ये दो दो फिनाइल ग्रुप प्रजेंट है और एक सल्फोन प्रेजेंट है सबसे फर्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ वन अमीनो ग्रुप दिस वन और दिस वन विथ नाइट्रो हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्साइड अमीन रिजल्ट इन डिक्रीज एक्टिविटी जब हम इस या फिर इस ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे नाइट्रो हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ तो हमारा जो न्यू ड्रग बनेगा उसका एक्टिविटी एज कम्पेयर टू डेप्सोन कम हो जाएगा सेकेंड है सब्सटीट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग दिस दिसनाइल रिंग विदाइल ग्रुप रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी जब इस एरोमेटिक रिंग जो फेनाइल रिंग है उसको हम सब्सिट्यूट कर देंगे एस्टाइल ग्रुप के साथ तो हमारा जो एक्टिविटी है जो हमारा न्यू ड्रग बनेगा उसका एक्टिविटी एज कम्पेयर टू डेप्सोन कम रहेगा लेकिन वाटर में सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा जिसके कारण हमलाइटिक एनेमिया का चांसेस कम हो जाएगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन भी कम हो जाएगा जिसके कारण जो स्टूल का डिस्कलरेशन हो रहा था वो सब कम हो जाएगा थर्ड है रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ ग्रुप इसको भी और इसको भी जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा इनेक्टिव कंपाउंड बनेगा बस एक एक्सेप्शन है की अल्डे के साथ करेंगे हम रिप्लेस तो प्रोड्रग बनेगा जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज सल्फोन सोडियम प्रोड्रग है जब डेप्सोन के दोनों अमीनो ग्रुप को हम अल्टेहाइट के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है फोर्थ है रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेजी रिंग विद थायाजोल रिजल्ट इन डिक्रीज एक्टिविटी थायाजोल के साथ हम ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा डेप्सोन का एक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू हमारा जो न्यू ड्रग बनेगा उससे इस वीडियो में बस इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और और वीडियो को शेयर करिए